इसके अंदर ये है ऊपर वाला दोस्तों आप लोग देखो ये चीज क्या है। ये है इस बोतल का ढक्कन जो कि यहाँ से उड़कर इस तरह का हो गया है, यानी कि तो साथियों आज की वीडियो में हमारे पास है ये चीज। अब ये कोई ऐरी गैरी चीज नहीं है, यानी कि आप सभी लोगों को पता है क्या क्या है। ये सामने यहाँ पे मुर्गा छाप बम है और ये है एक 2 लीटर की बोतल। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है यानी कि जहाँ पे ढक्कन कसा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि वो टूटता नहीं है, फटता नहीं है, टायर के नीचे आने के बाद भी वो बचा रहता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पूरी की पूरी बोतल में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं होते। एक्सपेंड जो होता है बीच का हिस्सा होता है, इसी वजह से थोड़ा कमज़ोर होता है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं 9 मुर्गा छाप पटाखे। अब इनमें आग लगाते हैं और आग लगाने के बाद देखते हैं कि ये बोतल के इस ऊपर वाले हिस्से को तोड़ पाएंगे या नहीं, यानी 9 पटाखों के आगे ये मजबूत रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कि क्या होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो बोतल है इस इन 9 पटाखों से इसके मुँह का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर एक बड़ा वाला सूतली बम। उसके बाद इस सूतली बम को इस बोतल के अंदर फिट करेंगे और फिट करने के बाद लगा देंगे आग, और ये तो मेरे हिसाब से 101% इसको ख़त्म कर देगा, यानी कि इसको बिगाड़ देगा अच्छी तरह से। तो पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे बड़े वाले सूतली को। तो दोस्तों यहाँ पे ये रही बोतल, बोतल को रखते हैं यहाँ पे, और कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना ले, वैसे तो ज़्यादा खतरनाक ये नहीं है, और सेफ्टी के लिहाज से हम लोगों ने इसकी बाती है वो भी छील दी है। तो करते हैं 3, 2, 1, 9 पटाखे वर्सेस 2 लीटर वाली बोतल पानी की, पेप्सी की सॉरी। देखते हैं इसके मुंह का क्या होता है, मजबूती टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, और मेरे हिसाब से लगता है तो दोस्तों यहाँ पे पूरे 9 के 9 पटाखे फटे थे, और यहाँ पे बोतल का जो मुंह था उसका कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, ये यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज है, यानी कि सेफ है बिल्कुल। तो इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो कितनी मजबूत होती है। इसी वजह से अब देखते हैं इसको यहाँ से, मतलब कि इसके अंदर डालते हैं इस बड़े वाले सूतली को, और उसके बाद लगाते हैं इसमें आग और देखते हैं इसका क्या होता है। क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को ट्राई करने का काफ़ी दिनों से, यानी कि पिछली दिवाली से मेरे मन में था कि भाई 2 लीटर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती, क्योंकि हमने इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया था भरी हुई के ऊपर, और ट्रैक्टर से इसका एक बार में कुछ नहीं बिगड़ा था, दूसरी तीसरी बार में भी नीचे से कंकड़ी थी उससे ये पंचर हो गई थी, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो देखते हैं ये सूतली बम के आगे टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। इसको फिट करने के लिए हमें इस बोतल को थोड़ा सा यहाँ से काटना पड़ेगा इस बम के साइज़ का, तो इसको काटते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से इतना बड़ा होल इसका काफ़ी रहेगा, और इसको भी हम प्रॉपर सील कर देंगे, यानी कि जो धमाका होगा वो इस बोतल के अंदर होगा, उसके लिए हमारे पास टेप है। तो बम को डालते हैं इसके अंदर, ये अब इसको कर देते हैं प्रॉपर सील। तो ये सील होकर रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से हमने यहाँ पे टेप लगाई है, और ये सेलो टेप ऐसे ही नहीं है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। अब लगाते हैं इसके अंदर आग और देखते हैं इस बोतल का ये क्या हाल करवाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सूतली बम है। आपको बता दूँ इसका जो फ्यूज है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, यानी कि मोटी वाली बाती है, और ये धीरे धीरे जलती है, एक साथ नहीं जलती। तो यहाँ पर हम आसानी से इसको लगाकर इससे दूर भाग जाएंगे, और अब देखते हैं इसका क्या हाल होगा। तो 1, 2 ये गया इसके अंदर, और दोस्तों आप लोग देख सकते हो बोतल का कुछ पता ही नहीं चला कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। ये है इसका नीचे वाला जो मजबूत हिस्सा था, शायद वो वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला ये है ऊपर वाला दोस्तों, और इसका जो ढक्कन वाला पोर्शन था वो जाने कहाँ गया, एक बार देखते हैं उसको मिल जाए तो। दोस्तों आप लोग देखो ये चीज़ क्या है, ये है इस बोतल का ढक्कन जो कि यहाँ से उड़कर इस तरह का हो गया है, यानी कि हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, ये यहाँ से उड़कर सीधा गया था उस टीन के ऊपर, तो वहाँ से इसको उतार के लाया, लेकिन जो इसके अंदर का हिस्सा था वो हमें नहीं मिला। मिला है तो केवल एक ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, और ये थोड़ा बहुत इसके नीचे वाला बचा हुआ है जिसपे हमने टेप लगाई थी, ये वाला हिस्सा। बाकी और कुछ इतनी दूर गए हवा में, यानी कि उनका पता ही नहीं चला, कैमरे की मदद से भी हम लोग नहीं ढूंढ पाए उनको, क्योंकि हमारे कैमरे थोड़े इसी तरह के हैं, तो इस वजह से हम लोग उनको नहीं ढूंढ पाए।
ये तीन चीज़ बची हैं इसके अंदर से, और सुतली बम ने इसका ये हल किया, जबकि 9 छोटे वाले पटाखों से इसका कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में हमने इसको लगाया था लेकिन उनसे उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इससे आपको सुतली बम की पावर समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूँ आप लोग इन पटाखों को जलाते समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरते, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 2 लीटर की बोतल का वो वाला हिस्सा जो इस ढक्कन के अंदर लगा हुआ होता है वो हमें कहीं भी नहीं मिला, वो जाने कहाँ हो गया, तो जल गया या फिर फट के कहीं उड़ गया ज़्यादा दूर, लेकिन हमें वो यहाँ पे नहीं मिला। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में तो बता ही देना, बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।